Top 20 News is brought to you by Ora Fine Jewelry in association with Symbiosis Center for Skill Development. नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज की टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और राजस्थान के जयपुर जाएंगे। PM इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे व इस दौरान जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। भारतीय शेयर बाजार कल जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ था, लेकिन आज इसमें सपाट कारोबारी ओपनिंग दिखी जा रही है। आज के कारोबार में BSE का सेंसेक्स 38.21 अंक की हल्की गिरावट के साथ 71,022 के लेवल पर ओपन हुआ है। NSE का निफ्टी 0.65 अंक की नामात्र की बढ़त के साथ यानी बिल्कुल सपाट रहकर 21,454। गणतंत्र दिवस पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवा के कुल 1,132 कर्मियों को वीरता व सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा, यह जानकारी गृह मंत्रालय ने दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेता ने आज फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। ये यात्रा आज असम के धुबरी के गोलकगंज चरियाली से शुरू हुई है। राहुल की यात्रा आज पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी। उत्तर कोरिया ने कहा कि उसने एक नए क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने इस परीक्षण की घोषणा ऐसे वक्त में की है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ उसका तनाव चरम पर है। IG रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने कहा कि आज पौष पूर्णिमा का त्योहार है, जिसमें लोग सबसे पहले पवित्र स्नान करते हैं। आसपास के इलाकों से लोग पैदल आ रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए 1-1 किलोमीटर लंबी दो कतारें हैं। किसी भी सामान को सार्वजनिक सुविधा केंद्र PFC में रखना होगा। यहाँ एक शारीरिक जाँच केंद्र भी है। महाराष्ट्र के भक्तों द्वारा भगवान रामलला को 80 किलोग्राम वजन वाली 7 फीट 3 इंच लंबी तलवार पहुँचाई गयी है। महाराष्ट्र में हुए खिचड़ी स्कैम मामले में ED ने शिवसेना नेता और विधायक संजय राउत के भाई संदीप राउत को भेजा समन, अगले सप्ताह बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। तेलंगाना में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने एक टाउन प्लानिंग अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कथित तौर पर 40 लाख रुपए नकद और 100 करोड़ रुपए की संपत्ति व अन्य कीमती सामान मिला है। सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अभी 3 दिन भी नहीं बीते हैं और कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लगने शुरू हो गए हैं। पहले पंजाब के CM भगवंत मान ने पंजाब की सभी सीटों पर जीत का ऐलान किया। इसके कुछ देर बाद ही पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने भी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम के बाद मंदिर में भक्तों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ बैठक कर सभी सहयोगियों को अभी राम मंदिर न जाने की सलाह दी है। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों को फीडबैक के बारे में भी जानकारी ली। जननायक के रूप प्रसिद्ध बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का सरकार का फैसला पिछड़े और दलित समुदाय से जुड़े करोड़ों गरीब लोगों का सम्मान है। NCP विधायक रोहित पवार करीब 12 घंटे बाद ED दफ्तर से बाहर आए हैं। रोहित पवार के बाहर आने के बाद ED दफ्तर के बाहर मौजूद NCP कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए। बारामती एग्रो में कथित हेराफेरी के मामले में ED ने मुंबई समेत 6 जगहों पर छापेमारी की थी। शरद पवार के गुट वाली NCP ने बुधवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के रुख को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा किसी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया गठबंधन BJP के खिलाफ एकजुट है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार और उनके कैबिनेट सहयोगियों के साथ फरवरी के पहले सप्ताह में अयोध्या राम मंदिर का दौरा करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन PM मोदी ने कर दिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद BJP ने राम मंदिर दर्शन का बड़ा प्लान बनाया है। BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट 5 फरवरी को रामलला के दर्शन करेगी। मुंबई पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका से जुड़ी जानकारी पर एक आदेश जारी करके शहर के 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने और जुलूस निकालने पर 6 फरवरी तक प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज चरांगे ने अपने हजारों समर्थकों के साथ 26 जनवरी से मुंबई में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है।
माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन को पार कर गया है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के बाद माइक्रोसॉफ्ट इस आंकड़े को पार करने वाली दूसरी बड़ी कंपनी है। अभी तक सिर्फ एप्पल का ही मार्केट कैप $3 ट्रिलियन के पार था। 28 जनवरी को कलर्स टीवी पर बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है। रविवार को सलमान खान शो के विनर की घोषणा करेंगे। शाम 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक यानी पूरे 6 घंटे का ग्रैंड फिनाले होगा। सनी देओल ने बीते साल गदर 2 से खूब धमाल मचाया। इस साल भी उनके खाते में कई फिल्में हैं। एक फिल्म की शूटिंग तो एक्टर शुरू कर भी चुके हैं। हालांकि जिस पिक्चर को लेकर वो सबसे ज्यादा चर्चा में बने हैं वो है लाहौर 1947। आमिर खान की इस पिक्चर से सनी देओल लीड रोल निभा रहे हैं। बिग बॉस 17 के घर से अंकिता लोखंडे के पति विकी जैन का सफर खत्म हो गया है। दोनों ने एक साथ इस शो में एंट्री की थी और हर दिन वे दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन विकी के बाहर होने के बाद अब अंकिता इस शो में अकेली हो गई है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।